सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो होपफुली गाइज कि आप सभी लोग काफ़ी अच्छे हो गए। सो गाइज, आज के जिस वीडियो के टॉपिक पे हम आज चर्चा करेंगे, मतलब बात करेंगे, सो वो गाइज बहुत ही ज़्यादा यूनिक टॉपिक है। मुझे नहीं लगता कि YouTube पे इस पर टॉपिक पे किसी ने वीडियो बनाया होगा, या फिर इतनी सर्चिंग के बाद उसने इस चीज़ को यूज़ करके किसी पेंटिंग को बनाया होगा। तो गाइज, जो अल्कोहल है, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा ही होगा, तो मैं अल्कोहल से भी काफ़ी सारी ड्राइंग्स करता हूँ। ये मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स को पता है और मेरे सारे जितने भी फ्रेंड्स हैं उन्हें पता है कि मैं अल्कोहल का यूज़ करता हूँ। मतलब मैं अपने लिए यूज़ नहीं करता, मैं अपनी पेंटिंग्स में यूज़ करता हूँ। अब मैं क्यों करता हूँ, उन लोगों ने मुझसे पूछा, तो हालांकि उनको तो बता दिया, लेकिन जब मुझे लगा कि आप लोगों को भी मुझे बताना चाहिए, तो मैं बता देता हूँ कि मैं इसका यूज़ क्यों करता हूँ और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। इससे हार्मनेस तो मुझे नहीं लगता कि कोई है। अगर आप इसको ड्रिंक ना करो तो कोई भी हार्मनेस नहीं है, लेकिन अगर आप इसके जितने बेनिफिट्स हैं वो आपको बताने, तो वो मैं भी आपको बता रहा हूँ। सो गाइस, इसका जो बेनिफिट है वो पहला ये है कि जितने भी हमारे ब्रश होते हैं, एक्रेलिक कलर जब भी हम उनमें यूज़ करते हैं, ठीक है, एक्रेलिक कलर आपको पता है प्लास्टिकल पेंट होता है, तो जिससे क्या होता है, हमारे जो ब्रश होते हैं उनकी टिप्स बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती है। ऐसे मेरे पास काफ़ी सारे ब्रश खराब पड़े हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। तो ये मेरे जितने भी ब्रश हैं वो सारे ख़राब हो चुके हैं, तो ये बस ऐसे पड़े हुए हैं, इनको मैंने रख रखा है क्योंकि कलर से निकालने में काफ़ी ज़्यादा वर्क में आ जाते हैं, तो इनको मैं रख लेता हूँ। अदरवाइज़ मैं इनको कट करके अदर ब्रशेस बना लेता हूँ। तो ये तो होता है कि ब्रश ख़राब होने के, ठीक है, ठीक है। अब इनको मैं सही भी कर सकता था, बट अब तो काफ़ी ज़्यादा टाइम ओवर हो चुका है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो एक्रेलिक कलर होते हैं वो प्लास्टिकल पेंट होता है, इससे ब्रश जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी ख़राब होते हैं, और मैंने अपने ख़राब ब्रश भी आप लोगों को दिखा दिए। तो इस प्लास्टिकल पेंट से बचाने के लिए, जो ब्रश को हम क्लीन करते हैं उसके लिए, मैं इस अल्कोहल का यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो पहला बेनिफिट तो इसका यही होता है कि इसको यूज़ करने से जो हमारे ब्रश होते हैं वो बच जाते हैं, और ब्रश की जो मैं कहूँ तो एज होती है, जो लाइफ होती है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो वो जल्दी नहीं मरते हैं, मतलब जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। सो भाई, जो सेकेंड बेनिफिट है वो इसका ये है कि जो ब्लेंडिंग होती है, जैसा कि आप सभी को पता है कि स्केचिंग भी आप लोग करते हो तो ब्लेंडिंग आपको पता होगा कि कलर मिक्सिंग, या फिर किसी भी चीज़ को आपने अगर पेपर पे रफ किया है तो उस चीज़ की मिक्सिंग को हम ब्लेंडिंग कहते हैं, ठीक है। मैं साधारण में डिफाइन कर दिया। तो इस तरीके से जो ब्लेंडिंग होती है, जैसा कि मेरे कलर्स में होती है, पेंटिंग्स में, कोई भी अगर मैं यहाँ पे, जैसे कि मैं अभी पेंटिंग बना रहा हूँ, ये बर्गर वाली, इसका आउटलाइन आपको मिल जाएगा, तो इसमें जो ब्लेंडिंग है पीछे का, ये ब्लैक कलर से और वाइट कलर से, गाइस आपको तो सिर्फ ब्लैक दिख रहा होगा, बट मैंने इसमें वाइट कलर का भी यूज़ किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, नीचे साइड वाइट भी है, ऊपर साइड ज़्यादा डार्क है। तो कुछ इस तरीके से, जैसे कि शेडोज आपको शो करनी है या विंटेज शो करनी है, कि लास्ट में जो, सॉरी रख देता हूँ, तो जो लास्ट के जो एरियाज होते हैं वहाँ पे आपको डार्कनेस शो करनी है, तो बीच में ब्राइटनेस, तो इन दोनों के बीच में आपको कंपैरिजन बनाना पड़ेगा। अगर आप ब्लैक और वाइट यूज़ करते हो तो मिक्सिंग आपको करनी पड़ेगी, ब्लेंडिंग उसे कहते हैं, ठीक है। अब मैंने और ज़्यादा अच्छे से डिफाइन कर दिया। तो इसकी ब्लेंडिंग में तो गाइस इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है कि अगर आप इसे ब्लेंडिंग करते हो तो बहुत ईजिली ब्लेंडिंग हो जाती है। और इससे ब्लेंडिंग का मेन इफेक्ट ये होता है कि एक्रेलिक कलर आपको पता है कि सूख जाते हैं, और सूखने के बाद वो प्लास्टिकल हो जाते हैं। अदरवाइज़ अगर आप वाटर का यूज़ करते हो, जैसे कि वाटर कलर में होता है कि अगर आपके वाटर कलर एक बार सूख गए फिर भी आप उनको रिसाइकल कर सकते हो, अदरवाइज़ आप उनमें दोबारा कलर यूज़ करके, वाटर पानी यूज़ करके आप उसको दोबारा यूज़ कर सकते हो। बट एक्रेलिक कलर में ऐसी कोई भी क्वालिटी नहीं होती कि अगर आप यूज़ करते हो तो प्लास्टिकल पेंट होता है, इस वजह से आप दोबारा पानी की मदद से उसे यूज़ नहीं कर सकते। तो इस वजह से इसका ये सेकंड बेनिफिट है कि मैं इसका यूज़ करके उसे रिसाइकल कर सकता हूँ। तो गाइस, ये थे कुछ टिप्स जो कि मैं यूज़ करता हूँ अल्कोहल अपनी ड्राइंग्स में। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। तो अगर गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और जिन लोगों को भी इस वीडियो की हेल्प हो उन तक ज़रूर शेयर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।